द केला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। 7 दिन में इस फिल्म की कमाई ने हर किसी को चौंका दिया है। फर्स्ट वीकेंड के बाद भी हर दिन फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। द केला स्टोरी कई विवादों के बाद भी शानदार कलेक्शन कर रही है। कुछ प्रदेशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है, तो वहीं कुछ प्रदेशों में टैक्स फ्री किए जाने से फिल्म को फायदा मिला है। फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन बेहतरीन कलेक्शन किया है। ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो गई है जो वर्किंग डेज में भी थिएटर्स में भीड़ जुटाने में कामयाब होती हैं। वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने से चंद कदम ही दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फिल्म ने अपने पहले 7 दिन में कितना कमाई कर ली है और शुक्रवार को कितना कलेक्शन करेगी और शनिवार की शो कैसे जा रहे हैं और कितना कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों, उसके पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस साल रिलीज शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के अलावा बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया गया है। फिर चाहे वह रणवीर श्रद्धा की तू झूठी मैं मक्कार हो या अजय देवगन की भोला, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की तुलना में पहले हफ्ते द केला स्टोरी पीछे रह गई है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तोसेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 7 दिनों में करीब 60 लाख दर्शक सिनेमा घरों में द केला स्टोरी देख चुके हैं। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.03 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.07 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़, छठे दिन 12 करोड़ की कमाई कर ली थी, सातवें दिन 12.50 करोड़ और आठवें दिन फिल्म 12 करोड़ और नवे दिन 13-14 करोड़ कमा सकती है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 93 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर ली है। सिनेमा घरों में ऑर्गेनिक बुकिंग के मामले में यह फिल्म द कश्मीरी फाइल से बेहतर स्थिति में है।